ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ओबीसी और दलित कार्ड जो खेला गया उसके चक्रव्यूह में कहीं कांग्रेस खुद ही ना फंस जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो धड़े हैं वो धड़े आपस में ही अपने अपने तरीके से इस दलित और ओबीसी कार्ड को लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सबका एक बार फिर से स्वागत और चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत। और प्रदीप सर, मैं सबसे पहले एक बार फिर से आपसे ही जानना चाहूँगा, शक्ति प्रदर्शन की बात सामने आ गई कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो परसों अशोक तंवर, इस तरह के शक्ति प्रदर्शन और भी हम लोगों ने देखे हैं, जो आप भी जिसका गुलाबी पगड़ी या फिर तिरंगा पगड़ी की बात लगातार कर रहे थे। देखिए संकेत, ये मैंने एक बार पहले भी ये बात कही थी कि कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से दिखने में तो भले ही एक हो लेकिन अंदर उसमें फाड़ी फाड़ है, लेकिन अब तो वो ऊपर से भी अलग अलग ही दिखने लग गया, फाड़ों में बटा हुआ, कोई दलित सम्मेलन के नाम पे, कोई किसानों के नाम पे, कोई जीएसटी के नाम पे, अलग अलग धरने प्रदर्शन और मीटिंगें, इन सब का दौर चल रहा है। आपने गुड़गांव में पिछले दिनों देखा होगा कि धड़ों में से भी अब धड़े जो है निकलने की कहीं ना कहीं वो रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। जब अशोक तंवर का सम्मेलन था वहाँ पर कैप्टन अजय यादव पहुंच गए थे और वहाँ उन्होंने फिर जिस तरह से बातें कही थी और ना बुलाने पे उल्हाना दिया था, तो निश्चित तौर पे नाराजगी धड़ों के भीतर भी ऐसा लगता है कहीं धड़े ना बन जाए। लेकिन जहाँ तक दलित सम्मेलन की बात है, चाहे अशोक तंवर कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा 10 साल प्रदेश में राज भी करके गए, मैं आपको अगर पूरे कांग्रेस का 10 साल प्रदेश में भी राज रहा कांग्रेस का और 10 साल देश पे भी राज रहा कांग्रेस का, मैं आपको आंकड़े अगर बताऊं ना तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है साकेत कि 2004 से लेके 2013 तक, 2005 में प्रदेश में फरवरी में सरकार बनी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो इस दरमियान जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं साकेत। कुल 6,490 दलितों की हत्या हुई थी इस 10 साल के दौरान और 14,253 मामले बलात्कार के दलित महिलाओं के साथ दर्ज किए गए थे देश भर में। कांग्रेस की सरकार थी, दलित सम्मेलन कल होने जा रहा है या दलितों के साथ मीटिंग होने जा रही है, और अगर प्रदेश की बात करें तो सच्चा खेड़ा जींद में पड़ता, वहाँ तो खुद सोनिया गांधी जी को जाना पड़ा था, गैंगरेप का बड़ा मामला था वो, और मिर्चपुर का संजय शर्मा जी ने भी जिक्र किया उसका। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ ना कि 2014 के जो आंकड़े बताए हैं, 2013 में जो आंकड़े आए थे, 2012 के जो आंकड़े थे उसमें 13 में 17% की बढ़ोतरी हुई थी, 2.5% बताया था संजय शर्मा जी ने, एक साल के भीतर 17% दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े थे, और उसके बाद जब 13 के बाद 14 में ये आंकड़े आए तो 23.4% दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े थे साकेत। ऐसे में सवाल फिर से वही उठता है कि कांग्रेस कैसे भरोसा दिला पाएगी इस तरह के दलित सम्मेलन या मीटिंग, जैसे रंजीता मेहता जी ने कहा कि मीटिंग है ये, सम्मेलन नहीं है, या परसों अशोक तंवर जी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दलित होने के बावजूद नहीं अपनाया जा रहा है, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या कुछ और दलित नेताओं को जो है हाशिए पे सीधा कहें तो रखने की कोशिश की जा रही है और धड़े अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ पे प्रदेश के दलित कैसे इस पार्टी पे भरोसा करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये बिलाल साहब से भी है और रंजिता मेहता जी से भी ये सवाल है। रंजिता मेहता जी आप दीजिए पहले जवाब इसका। देखिए बहुत अच्छे आंकड़े आपने पेश किए हैं, जरा अच्छा होता कि 2014 के, 2015 के और 16 के आंकड़े भी आप देते तो आपको पता चलता कि दलित बात कांग्रेस की हो रही है, बात कांग्रेस की हो रही है। रंजिता मेहता जी नहीं, बात कांग्रेस की नहीं हो रही, आपने खुद आप बताइए, आप कैसे ये आंकड़े देखने के बाद क्या प्रदेश का दलित आप पे भरोसा करेगा? देखिए पूरे मैं यही तो आपको बोल रही हूँ कि ये आप दलितों के आंकड़े दे रहे हैं, ये हर प्रदेश के अंदर हर वर्ग के साथ कुछ ना कुछ होता है। अगर आप इस कांड की बात करते हैं तो गोदारा कांड की बात भी कीजिए जो मोदी जी ने गुजरात में किया था, तो आप इसको लेकर कांग्रेस को हम स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट करते हैं इस चीज पर। रंजिता मेहता जी की जो चीज की गिनती की जिस चीज पर आपने ऑब्जेक्शन किया है वो ऑब्जेक्शन का भी तरीका होता है, विषय इस मंच को हम नहीं दे सकते आपको किस मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम बोलने देंगे आप इस तरीके से ब्लेम लगा देंगी जिस चीज को अदालत भी अभी तक नहीं कर पाए। आप खुद में एक अदालत नहीं है रंजिता मेहता जी, जो कि आप सीधे तौर पर ये ब्लेम कर देंगी, तो कम से कम हम इस चैनल के माध्यम से अपने
जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम ये मंच नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जवाब आपसे ले लूंगा संजय शर्मा जी, कंडेम हमने भी कर दिया है, लेकिन बिलाल साहब थोड़ा जो सवाल प्रदीप सर का था उसका जवाब आप दें। देखिए, जिस तरह की प्रदीप जी ने जो आंकड़े दिए बिल्कुल सही बात है, दलितों के ऊपर अत्याचार जो हुए हैं, अब उसी चीज़ को लेकर के कि आने वाले समय में जो जिस तरह से आपने दिखाया, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो अभी राहुल जी जो आज दलित और ये अपने ओबीसी वालों से मिले हैं, उससे पहले भी वो अलग अलग अपने जो भी कैटेगरीज हैं, माइनॉरिटीज़ हों या ट्राइबल्स हों, वो हर किसी से मिलने, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारा सा जो हमारा वोट बैंक था जो छिटका है हमसे, जो हमारा वोट बैंक हम स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि दलितों को लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, ऐसे नहीं कि खाली दलितों की बात है, पूरे सबको साथ लेकर के चलना और सबको अपने साथ जोड़ करके चलना, और जो वोट हमसे खिसका है, जो हमसे किसी वजह से नाराज होकर के गया, राहुल जी ने उस चीज को लेकर के आज ये मंथन किया और अपने सीनियर नेताओं के साथ बात साझा की कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारी जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको बुला करके जाना कि भाई कहाँ हमारी कमियां इंसान से होती हैं, ऐसे नहीं कि कमी नहीं हो सकती, कमी हमसे भी हो सकती है, किसी और इंसान से भी हो सकती है। और जहां तक ये कल के जो अभी आप बता रहे हैं जो ये कल की सम्मेलन या मीटिंग है, मैं स्पष्ट कर दूं बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। अब जो 16 तारीख को कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो हैं कल एक वर्कर मीटिंग कर रहे हैं पिहवा में, और उनकी मीटिंग का मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या कोई कुछ भी कहे, विधायक हो या कोई कितने भी वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनका, हमारे पीसीसी का जो दफ्तर चंडीगढ़ में, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है उसका, और उसके हर किसी एमएलए को कोई कुछ भी कहे, अब कोई उसको डिनाई करता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, सबको साथ लेकर के चलना प्रदेश अध्यक्ष जी की मंशा है, क्या दलित हो क्या कोई भी हो, क्योंकि मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं, वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर अशोक तंवर जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रात दिन एक करके पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए, दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और यह हमारी पार्टी का स्पष्ट संदेश है। टॉप लीडरशिप जो है इस वक्त जो अपना रुझान लेकर के चल रही है, और इस तरह की, और किसी के, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी के कहने से हटाने उठाने से नहीं है, टॉप लीडरशिप सारी चीजें देख रही है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कोई कितनी भी कर ले, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या खुद को भी मजबूत कर रहे हैं, ये एक मसला है। राम सिंह बराड़ जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से अगर हम कुमारी सैलजा का नाम लें तो 2014 के वक्त भी उनसे बड़ा दलित नेता प्रदेश में कोई नहीं था, उनके चेहरे को सामने रख करके दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई थी, हुआ नहीं। इस बार भी दलित नेता उनसे बड़ा कोई और है नहीं प्रदेश में, लेकिन इस बार तो ना तो हुड्डा जी के समर्थकों के साथ जो कल एक दलितों की मीटिंग या सम्मेलन जो भी नाम दे दें, ना तो उसमें उनका कुछ आने की उम्मीद है, ना उधर तंवर जी के उसमें आने की उम्मीद है, तो ऐसे में क्या हाशिए पर कुमारी सैलजा को पहुँचा दिया गया है? ऐसा है कि ये जो दो बातें आपने कही, एक तो शैलजी जी का मामला और एक ये जो एससी सम्मेलन या एससी बैठक जो भी कर रहे हैं जी, आज मेरे जो साथी हैं कांग्रेस के कुछ भी कहें, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। जैसे ये आप अभी चैनल में भी देख रहे हैं, दोनों जो कांग्रेस के हैं उनका अपना अलग अलग सोच और अलग अलग स्टैंड है जी। बात ये है कि कांग्रेस की लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर कांग्रेस का वोट बैंक भी खिसका है, चाहे वो एससी है चाहे ओबीसी है, दोनों खिसका है, राष्ट्रीय स्तर पे खिसका है, प्रदेश में भी खिसका है, राष्ट्रीय स्तर पे भी खिसका है, और उसका नुकसान भी कांग्रेस को हुआ है। आज जो पिछले 2014 की बात कर रहे हैं, 2009 से 2014 तक हरियाणा से जो दो रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, एक से शैलजा जी थी अम्बाड़ा से और एक से अशोक तंवर थे, दोनों एमपी थे, वो दोनों के दोनों आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ नहीं है। और बिल्कुल इनकी लड़ाई आपने भी बताया कि खुल्लम खुल्ला, चाहे वो सड़कों पे हुई है, चाहे वो हुड्डा जी के समर्थक जो विधायक हैं वो तंवर को बदलने की बात करते हैं, चाहे उसको हटाने की बात है, चाहे दूसरी है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक दूसरे से बड़ा दिखाने की, एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई है। और शैलजा जी आज के दिन राज्यसभा में हैं, लेकिन वो किसी भी हुड्डा जी के फंक्शन में नहीं जाती हैं, और इवन तंवर जी के फंक्शन में भी बहुत कम जाती हैं जी। आज जो हुड्डा जी के समर्थक विधायक हैं उनमें से तंवर जी की मीटिंग में बहुत कम जाते हैं या जाते ही नहीं हैं। इसमें लड़ाई इनकी आपसी खुल्लम खुल्ला है। ये अगर कहीं वापस ओबीसी वोट को या एससी वोट को अगर वापस कांग्रेस लाने का सोच रही है, तो सबसे पहले तो इनको ऐसे सम्मेलन करने से पहले
पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा, कोई ऐसा नेतृत्व देखना पड़ेगा जिस नेतृत्व पे दोनों ग्रुप भरोसा कर सके, दोनों ग्रुप जो हैं वो साथ लग के कर सकें, उसके बाद लोगों को जोड़ने की तो बात और होती है। कभी किसी भी पार्टी का, हर पार्टी अपने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए ऐसे सम्मेलन भी करती हैं, ऐसी सभाएं भी करती हैं और ऐसे लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इनको अपनी अगर मजबूती बनानी है तो पहले पार्टी को एकजुट लोगों को दिखाना पड़ेगा। किसी एक घटना से कभी किसी पार्टी का वोट बैंक टूटता नहीं, कभी एक घटना से कभी वोट बैंक जुड़ता नहीं, लगातार जो घटनाएं घटती हैं वो लगातार जो लोग देखते हैं, वो जो दिल्ली की लड़ाई थी उससे एक जो मैसेज गया वो तंवर क्योंकि दलित वर्ग से हैं उसके साथ जो मारपीट हुई वो एक मैसेज बहुत गलत गया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी और वो मामले दर्ज हुए और हुए तो लगातार पार्टी अभी एकजुट होने के बजाय और बिखरती नजर आ रही है। जब तक आपस में एकजुट नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ लेके इकट्ठे नजर नहीं आएंगे और दिल से साथ नहीं होंगे, तब तक ये जो है ना सम्मेलन इसका कोई लाभ नहीं रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पार्टी के ज्यादातर एमएलए भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, चाहे वो दलित एमएलए है चाहे एक्स एमएलए है, उसमें भूपेंद्र हुड्डा के साथ है सर, और तंवर जो है वो पार्टी के संगठन के लिए अलग लगे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। संजय शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। पहले तो जो रंजीता जी ने कहा उसको मैं कंडेम करता हूँ, हालांकि आपने कह दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्ट उनको इस मामले में बिल्कुल निष्कलंक और कह चुकी हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी बात, रंजीता जी ने जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की है, लेकिन कुछ उपलब्धियां वो गिनाना भूल गई, मैं वो उपलब्धियां में गिना देता हूँ। इन्हीं की पार्टी के नेता हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी, जो एससी कमीशन के मेंबर भी हैं। उन्होंने खुद कांग्रेस की सरकार के समय कहा कि हरियाणा सरकार के रहते हुए 1100 एफिडेविट एट्रोसिटी एक्ट लगाने के लिए उनके पास आए हैं, जो बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा जैसे राज्य जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, उससे भी ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा जो बात थी कि अधिकारी एससी अधिकारी जो थे या पिछड़े अधिकारी थे, कांग्रेस की सरकार में या तो खुडे लाइन लगे रहे या उनका सस्पेंशन सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ। 10 साल तक कांग्रेस ने एक उपलब्धि और हासिल की कि जो प्रमोशन था रिजर्वेशन के अंदर, कांग्रेस ने 10 साल के अंदर नहीं दिया। एक इन्होंने 2011 के अंदर राघवेंद्रा कमेटी बनाई थी, उसे रिपोर्ट अपनी 2012 के अंदर दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी इन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही 2.5 महीने के अंदर अंदर रिजर्वेशन में प्रमोशन देने का काम किया। 10 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने एक भी कानून ना केंद्र में ना प्रदेश में ऐसा बनाया जिसमें दलितों के अधिकारों का कुछ संरक्षण होता, एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया। लेकिन अरे आपकी बारी आएगी तो आप बताना ना, आपकी बारी आएगी तो बताना। लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र के अंदर जो पिछड़ा आयोग है उसको संविधानिक दर्जा दिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने हमेशा इसकी बात तो की लेकिन कभी पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। मैं अगली बात आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति का दलित कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया, इससे बड़ा काम और क्या करते हैं आप? एक दलित जंग वहां तो हमने दिया ना, हमने दिया ना दलित कैंडिडेट, कांग्रेस की नकल कर रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कैथल जिले के अंदर जब कुछ दलित रविदास जयंती मना रहे थे, उनका माइक चल रहा था, उस माइक को चलने से रोकने के लिए दलितों को वहां मारा पीटा गया, उनको भगा दिया गया। काउंटर लेते हैं, काउंटर लेते हैं। ठीक है रंजीता मेहता जी, मैं बहुत अजीब मानती हूँ कि बिना आंकड़ों से कुछ भी बोलते रहना और डिबेट में बोलते रहना और ये सिद्ध करना कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एक भी संशोधन नहीं किया, मैं इनको 2008 का 85वां संशोधन याद दिलाना चाहती हूँ जो कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया, और उसमें कांग्रेस ने जो दलितों को लेकर जितनी भी उनके हित की बातें थी उसको लागू किया ताकि जो दलित हैं वो अपने हक का हिस्सा ले सके। उसके अलावा जितने भी परिवार जिनकी आय 50,000 से कम थी, उनके परिवारों की जो विद्यार्थियों के माँ बाप थे उनको मेंटेनेंस अलाउंस देने का काम हमारी सरकार ने किया। जितने भी 50,000 से अधिक आबादी वाली जगह थी वहां पे हमारी सरकार द्वारा लोन और छात्रवृत्ति देने की जो कवायद थी वो हमारी सरकार ने शुरू की थी। हमने तो लोन भी दिया, हमने ऋण माफ भी किया और हमने ब्याज माफ भी किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन में पूछा था
दलितों को प्रमोशन में रिजर्वेशन 10 साल तक क्यों नहीं किया आपने, उसका जवाब भी दे दीजिए, उसका जवाब भी दे दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए ना, सुनिए आप, अब दीजिए ना जवाब। पिछले 2.5 सालों में आपने एक भी दलित को 1 रुपए का लोन दिया हो, आपने एक भी दलित को 1 भी मकान दिया हो, आपने किसी एक भी दलित को 1 भी नौकरी दी हो। ऐसे भाषण देने से आप दलित के पक्ष में नहीं हो जाती, आप तो भाषण दे रही है। आपको आंकड़े पेश कर, मैं आंकड़ा दे सकता हूँ, सुनने का मजा रखिए। मैं आंकड़ा देता हूँ ना, आप लीजिए मेरे से आंकड़ा लीजिए कि हमने क्या किया, मेरे से आंकड़ा लीजिए। दलितों के लिए नहीं लगाया, मैं दे रहा हूँ ना, जो आपके ऊपर आरोप लगे कि 10 साल आपने दलित जो अधिकारी हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया, आप उसका कुछ जवाब देंगे? रिजर्वेशन के जो पॉलिसी थी प्रमोशन की, प्रमोशन की आप कहते हैं दलितों को तवज्जो दी जितनी हमारी पार्टी, अब क्यों झूठ बोल रही है रंजीता जी? जब होमवर्क करके आइए, 10 साल ओल्ड रिकॉर्ड है, अब क्यों झूठ बोल रहे हैं? 10 साल ओल्ड रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड है कि आपने दलितों को प्रमोशन नहीं दिया, ओल्ड रिकॉर्ड है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ओल्ड रिकॉर्ड है। आप देखिए, 10 साल साकेत जी प्रदेश अध्यक्ष से क्या, कांग्रेस ने 10 साल तक जो कुछ किया उसी के कारण से तो कांग्रेस ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कि शायद हमारी जो कालिक है वो पुत जाए, लेकिन कालिक और चढ़ गई क्योंकि उसी दल प्रदेश के अध्यक्ष को तंवर जी को उन्होंने दिल्ली में पीट दिया, उनके बेचारों के घर की हड्डी तोड़ दी, तो वो भी उनका जो टैक्स था, जो भी दाव था वो भी चला गया। उनमें से कितनी दलितों को इन्होंने मंत्री पद और उस पर नवाजा है? आप इस बात की चिंता मत करिए कि हमने क्या किया, हमने दलित का, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, 2.5 साल आपकी सरकार को भी हो गए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या किया आपने। ये कहा कि हमने सुकन्या योजना में 31,000 रुपए दिया, आपने 31 दिया 10 साल के अंदर, हमने 2 साल के अंदर 51,000 रुपए कर दिया, हमने सबसे ज्यादा, सुनिए सुनो अत्याचार रोकने के लिए क्या किया सर हमने, सुनिए गेम चेंजर थे आप, नेम चेंजर हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ पुरानी नीति को नया बदल के, अब सुन तो लीजिए, क्यों सुनूं मैं आपके झूठ, सुनो मैं झूठ नहीं, मैं सच, अरे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना, आपने करके, अब आप सुनने का मौका तो रखिए। 100 करोड़ रुपए की लागत से जींद के अंदर हमने गुरु रविदास जी के नाम से दलित विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, 10,000 सर्व कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों की जो हमने तनख्वाह है वो 1900 रुपए बढ़ाई है, उनको मैंने 10 साल के वर्दी और जूते तक नहीं दिए, हमने उनको वर्दी और जूते तक दिए। अरे क्या बातें करते हो, ठीक है जरा आप दोनों को रोक रहा, राम सिंह बरार जी एक सवाल आपसे मेरा, ठीक है संजय शर्मा जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, राम सिंह बरार साहब एक सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद के ताने बाने बुनते हुए नजर आ रही हैं चीजें, एक सवाल उससे जुड़ा हुआ आपसे कि दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दलितों के साथ मीटिंग सम्मेलन या बैठक जो भी करते हैं, क्या वो 10 जनपद को अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखिए कितने दलित हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष अगर आपने दलित रखा है तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैक्सिमम दलित मेरे साथ हैं, क्या ये भी एक टारगेट है? ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि जो शोक तंवर जी हैं उनको कांग्रेस हरियाणा में और शैलजा को एक दलित चेहरा मानती है और दोनों बड़े नेता रहे हैं जी, और दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब ये मैसेज देना चाहते हैं पार्टी हाईकमान को कि पार्टी का जो ज्यादातर दलित वर्ग है, ज्यादातर पार्टी के MLA हैं, जो XMLA हैं, एक्स मंत्री हैं, XMP हैं, वो चाहे दलित जो हैं वो मेरे साथ हैं। और दूसरी बात एक और है, ये जो आपने भी राष्ट्रपति जी का जिक्र किया कि NDA ने राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद जी को उतार के एक दलित कार्ड खेला और बहुत बड़ा कार्ड खेला है, और कांग्रेस में इस बात को लेकर भी निश्चित तौर पे चिंता जाहिर हुई होगी कि इसका जो कोविंद जी का राष्ट्रपति बनना वो लगभग तय माना जा रहा है और वो एक दलित चेहरा है और उनके राष्ट्रपति बनने से उनको लगता है कि कांग्रेस के पास जो दलित वोट कुछ बचा हुआ है वो भी कहीं खिसक ना जाए, उस वोट को वापस लेने के लिए उन्होंने मीरा जी को उतारा, लेकिन वो विपक्षी पार्टियां जो NDA के खिलाफ थी उनको भी साथ अपने साथ नहीं रख पाए, उसका भी उनको लगभग नुकसान हुआ है। अब किसी तरह से OBC और SC वोट बैंक को वो जोड़ने के लिए भी हैं और बार बार वो तंवर को बदलने की भी कवायद के लिए जुटे हुए हैं, उनका ये मानना है कि अगर किसी दलित को ही बनाना है तो
तो उदय बान को या गीता बुक्कल को या किसी और दलित को बना दो, लेकिन अशोक तंवर को इसको हटा दिया जाए। मतलब ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी कांग्रेस पे अपना मजबूती से पकड़ बनाने वर्चस्व के लिए लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई को अगर जब तक ये एकजुट होके या आपस में कोई मनमुटाव दूर करके नहीं बैठेंगे, और लगता नहीं कि ऐसा कोई मनमुटाव दूर होगा, क्योंकि दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जहां से दोनों गुटों के लिए वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल प्रदीप जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अच्छा, इसीलिए ये जो कांग्रेस का जो ओबीसी और एससी जो वोट बैंक है उसका भी वापस आने का अभी कोई संभावना है बहुत कम लग रही है। ठीक है ब्रदर, सर मैं लौटता हूँ आपके पास। प्रदीप जी, अब 2014 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा काफ़ी सक्रिय थी प्रदेश में। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना साहब हुआ करते थे, और ये उस समय एक नारा जैसा दिया जाता था, क्योंकि वहाँ भी गुटबाजी और खेमेबाजी उस समय से भी चली आ रही है। ये कहा जाता था कि दलित वोट तेरे या मेरे रहेंगे हमारे, लेकिन तब भी ये नहीं हुआ, न तेरे रहे न मेरे रहे, हमारे भी नहीं रहे, और वो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ आ गए। अब यहाँ दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या साबित करने की कोशिश है ये? देखिए साकेत, ये दोबारा आपने, राम सिंह बराड़ जी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं इसके संकेत या इंडिकेशन जरूर है कि एक जो है संदेश पहुंचाया जाए ऊपर तक। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब जींद के कंडेला में गोलियां चली थी और 9 किसानों की मौत हुई थी, उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तो उसके बाद विरोध में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंडेला से लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा की थी, और उस समय भी ये सवाल उठे थे कि कंडेला से दिल्ली क्यों, कंडेला से चंडीगढ़ क्यों नहीं, सवाल उस समय भी उठे थे। तो कुछ राजनीति के जानकार या लोगों का ये कहना था कि हो सकता है कि आला कमान को दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय सांसद होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब दोबारा से जब चीज़ें सक्रिय होने लगी हैं, और क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है दोबारा से इलेक्शन में जाने में, और ये जो दलित सम्मेलन दिल्ली में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक संदेश तो पहुँचाने की कवायद है ही, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक ना एक एक जमीन तो जरूर जो खिसक सीधा कहे कि खिसक चुकी है उनके लिए भी, क्योंकि पार्टी के सत्ता में जाने के बाद जिस तरह से सीएलपी किरण चौधरी को बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रहे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक अपना जनाधार दिखाने के लिए, बताने के लिए ये कोशिश तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्रदेश में कहीं ये दलित सम्मेलन होता तो इसका संदेश को छोड़ जाता, और इस वक्त इसका संदेश क्या जाता है ये भी एक देखने की बात है। ये बहुत एक अहम बात है, और इसी बात के साथ हम इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करेंगे। सभी खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन आने वाले कुछ दिन कांग्रेस के लिए एक दूसरे पर हावी होने वाले दिन रहेंगे, एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन के जरिए नीचा दिखाने वाला दिन रहेगा, इतना तय है। आगे आने वाले दिनों में इस मसले पर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।